आज हम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का व्याकरण भाग का प्रथम पाठ संज्ञा शब्द रूपा में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों पता है आपको, पहले भी पढ़ चुके हैं, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन इज द नेम, पता ही है, अ थिंग, पर्सन ऑफ प्लेस। तो ये हमें पहले ही पता है कि संज्ञा जो है नाम होता है, किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। तो संस्कृत में भी बच्चों संज्ञा शब्द रूप होते हैं, है ना। वो इनके कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार के संज्ञा शब्द रूप होते हैं। पहला संज्ञा शब्द, दूसरे सर्वनाम शब्द और तीसरे संख्यावाची शब्द। अब इनको तीन भागों में क्यों बांटा? क्योंकि शब्द भी तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो शब्दों के अंत में जो मात्राएं लगती हैं, जो जिस तरह से उनका अंत है, एंड है, उसके आधार पर, और शब्द सर्वनाम का है या सर्व शब्द संख्या का है या शब्द या पद संज्ञा है, नाम है किसी का, या सर्वनाम है या संख्या है, तो उसके आधार पर ही हम इन शब्द रूपों को संस्कृत में बनाते हैं। आज हम संज्ञा शब्द रूपों को पढ़ेंगे, उसके भी एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। अब एकारांत क्या होता है और आकारांत क्या होता है और उकारांत क्या होता है, इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसको हम तोड़ेंगे। देखो, ए का रान, जिससे ऐसे जिसका अंत हो रहा है, ऐसे अंत आकारांत। पुलिंग यानी कि पुलिंग पुरुष जाति का पता चल रहा है, ऐसे ही स्त्रीलिंग में आकारांत, जैसे बालिका, आ बालिका, आ से अंत हो रहा है, तो कौन सा हो गया आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि इसका अंत जो है आ से हो रहा है। ऐसी बालक रूप हुआ, बालक है, बालक या पुत्र, है ना, या छात्र या नृप या नर, जिसका अंत में कोई मात्रा नहीं है, ऐसे अंत हो रहा है वह एकारांत। और ये देख लेंगे कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो वही उसी आधार पे कह देते हैं कि एकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि ऐसे अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द। और आकारांत स्त्रीलिंग कहेंगे तो जिनका आ की मात्रा से अंत हो रहा है और वो स्त्री जाति की हैं, जैसे रमा, आशा, उमा, बालिका, आ, जिनका एंड में आ रहा है, ऐसी जिस भी मात्रा से अंत होता है उसे आकारांत या उसी नाम से उसका नाम दे देते हैं। अब देखिए, ये जो बालक रूप है हमारे, ये क्या हुए, बालक के रूप, इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो ये कौन से हो गए एकारांत। और बालक क्या होता है, लड़का होता है, पुरुष जाति का है, तो एकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, ये बालक के, बालक के ही आधार पर बच्चों पुत्र के बन जाएंगे, हैं, छात्र के बन जाएंगे, नर के, नृप के, वृक्ष के, पिक के, जिनके अंत में कोई मात्रा नहीं है और पुल्लिंग जाति के हैं, है ना, मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसको हम एकारांत बालक के रूप के अनुसार बना सकते हैं। अब देखो इसमें कितनी विभक्ति होती है बच्चों, विभक्ति जो है ये प्रथमा से संबोधन कारक तक 8 विभक्ति हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ होगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, ये इनके संस्कृत में नाम है। और ये जो रूप है बच्चों, वचन के अनुसार और क्या लिंग के अनुसार, तीन लिंग के अनुसार, तीन वचनों के अनुसार चलते हैं। अब ये लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग बालक रूप, एकारांत पुल्लिंग। तो देखिए बच्चों, ये एकारांत पुल्लिंग के रूप हैं बालक के। इन जो वचन जो शब्द रूप चलते हैं बच्चों, तीन वचन में चलते हैं और तीन लिंगों में चलते हैं। अब लिंग पुल्लिंग तो बता दिया हमने कि ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग की बालिका की तरह चलेंगे, नपुंसक लिंग के फलम की तरह चलेंगे या पुस्तक की तरह चलेंगे। तो ये देखिए, इसका एक वचन, द्विवचन, जहाँ एक के लिए बात होगी तो हम ये वाले वचन चलाएंगे, जहाँ दो की बात होगी तो ये वाले चलाएंगे, और जहाँ दो से अधिक की, ज्यादा की बात होगी तो बहुवचन का चलेंगे। अब ये विभक्ति क्या होती है, ये वो चिन्ह होते हैं बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे, इसके चिन्ह होते हैं विभक्तियों के। अब देखो, एक वचन
और कौन सी प्रथम विभक्ति बालक है। द्वितीय द्विवचन प्रथम विभक्ति बालको, बहुवचन और कौन सी प्रथम विभक्ति चल रही है बालका, ऐसी बालकम बालको बालकान, ये द्वितीय विभक्ति का हो गया। तृतीय विभक्ति का बालके बालकेभ्यां बालके, चतुर्थी का बालकाय बालकेभ्यां बालकेभ्यः, पंचमी का बालकार बालकेभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी का बालकस्य बालकयो बालकानां, और सप्तमी का बालक बालकयो बालकेषु, संबोधन का हे बालक हे बालको हे बालका। अब इसका बच्चों देखो क्या है इसके याद करने का भी तरीका लर्न करने का, कि देखो द्विवचन तो प्रथमा और द्वितीय का एक सा है बालको, ओके। और अब देखिए बच्चों तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन एक जैसा है बिल्कुल। तृतीया का तो ये तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक सा हो गया, और चतुर्थी पंचमी का बहुवचन एक सा हो गया, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन एक सा हो गया, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा हो गया। ये हम कुछ पॉइंट है जो लर्न कर लेंगे तो हमें बड़े इजी हो जाएंगे याद करने में। इसी के आधार पर बच्चों बालक रूप के आधार पर ही एकारांत पुल्लिंग शब्द चलेंगे, और एकारांत आकारांत उकारांत इकारांत क्या मैंने बताया, जिस मात्रा से भी शब्द का अंत होता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। जैसे मधु, मधु में छोटे की मात्रा से अंत है तो क्या उकारांत हो गए, है ना। इसी तरह से अब ये विभक्तियों का क्या रहेगा, इसका रोल क्या है, देखिए कि प्रथम विभक्ति इसकी क्या चिन्ह है बालक। बच्चों ये जो संज्ञा शब्द रूप होते हैं प्रथमा विभक्ति से संबोधन कारक तक इनके कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य भाग से जोड़ने के लिए या क्रिया से संबंध बनाने के लिए इन चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का जिन्हें कारक कहते हैं प्रयोग करते हैं। ये जो विभक्ति चिन्ह कारक हैं इनका प्रयोग हम बता दिया कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बनाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं इनके हम चिन्ह क्या हैं और उनका क्या अर्थ है। प्रथमा विभक्ति जो है इसका है कर्ता कारक, और इसका अर्थ क्या है नहीं, इसका चिन्ह कर्ता कारक कही जाएगी प्रथम विभक्ति कर्ता, और इसका चिन्ह नहीं। द्वितीय कर्म को, इसको लय में याद करेंगे बच्चों देखो कि प्रथमा कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से के द्वारा यानी कि जिस चीज से कोई काम होता है, जैसे मैं आपको स्केल से पढ़ा रही हूँ, चौक से पढ़ा रही हूँ, किस चीज से, जिससे काम होता है, चाकू से हम फल काटते हैं सब्जी काटते हैं, जिससे भी काम होता है उसमें करण कारक, ये कारक चल रही है, ये बच्चों ये कारक है और ये इनके चिन्ह है। तो तृतीय विभक्ति में करण कारक आएगा, इसका चिन्ह है से के द्वारा। चतुर्थी में संप्रदान कारक, ये कारक चिन्ह चल रहे हैं और इसका चिन्ह है को या के लिए, जैसे भिखारी को दान देते हैं, राजा गरीबों को दान देते हैं, गरीबों के लिए हो गया, को भी और के लिए भी। अब हम कहेंगे कर्म में भी को है, लेकिन इस को का जो ये को है इसका अर्थ है किसी के लिए कुछ काम करना, संप्रदान कारक, इसमें इसका अर्थ है को का मतलब इसका के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना। और ये जैसे द्वितीय कर्म को है इसका, जैसे कि माता मंदिर को जाती है, तो को इसमें छिपा भी हो सकता है बच्चों कहीं कहीं कि माता मंदिर जाती है, लेकिन बीच में क्या है को छिपा हुआ है, इसलिए वहां पर कर्म कारक आएगा। उस को का मतलब, इस को का अर्थ है कि किसी के लिए कुछ काम करना, दे रखा साइड में के लिए। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, इसका चिन्ह है से, अलग होने के भाव में कहेंगे हम, तृतीय में भी से आ रहा है लेकिन ये किसी चीज से, तृतीय विभक्ति में बच्चों से होता है और पंचमी का भी चिन्ह से के से होता है, लेकिन तृतीय का से का अर्थ है किसी चीज के द्वारा कोई काम करना, साधन अर्थ में, है ना, करण अर्थ में कोई साधन होता है जो, उसके अर्थ में है तृतीय विभक्ति का से के द्वारा, किसी चीज के द्वारा काम करना, किसी चीज से काम करना। मान लो मैं लिखती हूँ पेन से लिखती हूँ, और यह मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ, बात एक ही है ना, से और के द्वारा का मतलब वही बैठ रहा है। और उसमें अपादान कारक में से का अर्थ क्या है, अलग होने के भाव में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से अलग हो रहा है वो, से आ रहा है लेकिन अलग होने के भाव में आ रहा है। पेड़ से फल गिरता है, फल अलग होके गिर रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है।
तो वहाँ से का अर्थ है अलग होने के भाव में, और तृतीय विभक्ति में से का चिन्ह क्या गया है, किसी चीज के द्वारा काम करना, साधन अर्थ में। ओके, आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, ये जो है संबंध बताती है किसी चीज का, जैसे इसके इसका चिन्ह क्या है, का की के रा री रे या रा रे री, है ना, किसी चीज का संबंध किसी से ये षष्ठी विभक्ति विभाग बताती है। अब सप्तमी देखो, इसका क्या है अधिकरण, इसका चिन्ह क्या है, इसका अर्थ है अधिकरण, इसका चिन्ह है मे या पर, जैसे मेज पर या कमरे में, मे पर जहां भी आ जाएगा वो होगा अधिकरण कारक और उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। ओके, अब है संबोधन कारक अष्टमी विभक्ति। संबोधन कारक में होता है किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, अरे भो हे, अरे सुनो, हे भगवान, भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हे भगवान, अरे मित्र सुनो, जहाँ संबोधन करते हैं वहाँ संबोधन कारक अष्टमी विभक्ति आती है। और अष्टमी विभक्ति में जो अभी हमने बालक रूप देखे थे, या कोई भी रूप होंगे अष्टमी विभक्ति में, उसमें प्रथम जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो अलग होता है और द्विवचन और बहुवचन एक से होते हैं अधिकांश में। क्या कि प्रथम विभक्ति जैसे ही संबोधन कारक होता है सिर्फ इसका एक वचन अलग होता है और दोनों द्विवचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। आज बच्चों अगर अब भी आपको कुछ नहीं आया हो तो अब आगे आप समझ सकते हैं मुझसे अगले टॉपिक में। ओके।